हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मेरे पसंदीदा गुलाब जामुन की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने अभी जो ग्लास दिखाया है, उस ग्लास से एक ग्लास जितनी चीनी, दो ग्लास जितने पानी और चार हरी छोटी इलायची को क्रश करके मैंने डालकर अच्छे से इसको उबाल लिया है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। बस उबाल लीजिए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। जो चीनी मैंने ली है वो लगभग 150 ग्राम जितनी होगी, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम जितने पानी का इस्तेमाल किया है। चाशनी को साइड में रख लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक मिक्सिंग बाउल में जो इंस्टेंट गुलाब जामुन पाउडर मिक्स आता है उसकी एक पैकेट को डाल लिया है, और उसके बाद 1 बड़े चम्मच जितने घी को डाल लिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध को डालकर, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें आटे को गूंद लेना है। बहुत ही सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पर गूंदना होगा, तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। सारा जो आटा है उसको दूध के साथ ही मिक्स कर लीजिए। अभी मिक्स किए हुए आटे के साथ हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाना होगा, तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर अभी इनको फ्राई करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल के गर्म होने के बाद इन बॉल्स को डालकर इसका कलर गोल्डन होने तक हमें इनको फ्राई करना होगा। मैंने आज इस गुलाब जामुन को इंस्टेंट गुलाब जामुन पाउडर मिक्स के साथ बनाया है। अगर आप बिना गुलाब जामुन पाउडर मिक्स के साथ बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके लिए उस रेसिपी को भी अपलोड कर दूँगी जल्द ही। अभी तले हुए गुलाब जामुनों को हमें जो चाशनी हमने बना के रखी है उसमें डाल देना है। जब चाशनी अच्छे से सोख हो जाए, मतलब 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए साइड में, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और आप में से कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, कितने लोगों का गुलाब जामुन फेवरेट है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहे तो इस गुलाब जामुन पाउडर मिक्स के साथ 2 चम्मच जितने मैदे को भी डालकर मिक्स कर सकते हैं, आटे को गूंद सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर नहीं डाला था, इसलिए हमारे जो गुलाब जामुन हो एकदम ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।